नमस्कार, प्राइम शतक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। कांग्रेस और वाम दल जैसी पार्टियां वैचारिक रूप से दिवालिया। नड्डा बोले, ये दल दिल्ली में 7 बार है जुदा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा टला, पीएम मोदी से मुलाकात का था प्लान। दिल्ली एनसीआर में चलेगी तेज हवा, बारिश पर आईएमडी ने दी गुड न्यूज। उत्तराखंड, हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों में ऐसा ही रहेगा मौसम। पिछले वित्त वर्ष में 3 बड़ी आईटी कंपनियों ने निकाले 64,000 कर्मचारी, टीसीएस इंफोसिस भी नहीं रहा पीछे। युद्ध लड़ने के तरीकों में आया बदलाव, वायुसेना प्रमुख बोले, भूमि, समुद्र और वायु क्षेत्रों की सीमाएं हो रही धुंधली। चुनावी रंग को चटक कर रहे सोशल मीडिया पर प्रसारित मीम, ईसी ने भी कुछ इस अंदाज में शेयर किया पोस्ट। चुनाव में धारा 144 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवेदनों पर 3 दिन में फैसला करे प्राधिकरण। शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाया रामदेव, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। इस तरह तो फैल जाएगी अराजकता, नॉमिनेशन रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उम्मीदवार, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने की तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के नियमों को चुनौती देने वाली नई याचिका दाखिल, केंद्र और असम सरकार से मांगा गया जवाब। चीन की घेराबंदी की तैयारी, भारत ने ड्रैगन के पड़ोसी को दिया ब्रह्मोस, मिसाइल की खासियत के लिए हुआ था सौदा। मणिपुर में हिंसा के बाद रोका गया मतदान, महिलाओं ने जमकर मचाया हंगामा। पीएम मोदी बोले, राहुल को वायनाड में संकट दिख रहा, नांदेड़ रैली में कहा जैसे अमेठी छोड़कर भागना पड़ा वैसे वायनाड छोड़कर भागेंगे। मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी, सीबीआई बोली कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना, बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या, लड़की के पिता और बीजेपी ने लब से हाथ बताया, सिद्धारमैया बोले हत्या निजी कारणों से की गई। फरुखाबाद में दुकानदार को अभद्रता का विरोध करना पड़ा भारी, बुलेरो सवार दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा, दुकान में घुसकर जमकर की तोड़फोड़ और लूटपाट। जालौन में चोरों का आतंक, चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम, लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार। झांसी में खड़ी फसल में लगी भीषण आग, 25 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर नष्ट, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। कौशाम्बी में अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को मारी टक्कर, टक्कर लगने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलटी, बस पलटने से कई लोग घायल, घायलों को एम्बुलेंस की मदद से भेजा जा रहा अस्पताल।
कुशीनगर में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, आग की चपेट में आई हार्डवेयर की दुकान, आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। लखनऊ में चोर ने दो पहिया वाहन पर किया हाथ साफ, गाड़ी का लॉक तोड़कर गाड़ी लेकर चोर हुआ रफू चक्कर, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीगढ़ में मां ने किया बच्ची की हत्या का प्रयास, लोगों ने बचाई बच्ची की जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इटावा में लापता बच्चे का दो टुकड़ों में मिला शव, गड्ढे में दबा मिला मासूम बच्चे का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फरुखाबाद में नवलकिशोर शाक्य ने निभाया अपना फर्ज, एक्सीडेंट में घायल युवक की मदद की, थाना नवाबगंज इलाके के शुक्लापुर के पास का मामला। कानपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटें देख लोगों में मचा हड़कंप, चक्री का सर्किल फोर्स भी रहा मौजूद। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और ट्रक में भिड़ंत, चार की मौत, कई लोग घायल, सीएम चौकी ने घटना का लिया संज्ञान। अलीगढ़ में मां ने किया बच्ची की हत्या का प्रयास, लोगों ने बचाई बच्ची की जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर पहुंचे मंत्री दानिश आजाद, अंसारी विपक्ष का लोकसभा चुनाव में नहीं खुलेगा खाता। मंदिर में पुलिस के सामने दंडवत हुए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को थाने जाने से पुलिस ने रोका, चुनाव बाद सड़क पर उतरने की चेतावनी। जौनपुर चुनावी रण में बसपा प्रत्याशी श्रीकला सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। वाराणसी में मां गंगा की आरती में पहुंचे अभिनेता, आरती देखकर अभिभूत नजर आया अभिनेता। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी, 10वीं का 89.55% और 12वीं का 82.60% परिणाम रहा। सीएम योगी का टीएमसी सरकार पर हमला, बोले शोभा यात्रा के दौरान हिंसा, सनातन आस्था को आहत करने का प्रयास। बसपा ने कांशुराम के करीबी रहे जगन्नाथ को दिया टिकट, पहली बार लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, उलझे जातीय समीकरण। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, चार महिलाओं की मौत, 24 लोग घायल। दक्षिण के बाद अब यूपी का चुनावी रंग चटक करेंगे राहुल, प्रियंका खत्म होगा रायबरेली अमेठी पर सस्पेंस। पूर्व मंत्री के नाती पर घोषित होगा इनाम, दबिश दे रही पुलिस, युवती और उसके पिता पर चढ़ा दी थी कार। बरेली से बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज, दो सेट पे कराया है नामांकन। रोडवेज बस की स्टेयरिंग में लगी आग और खड़े टैंकर से टकराई, 10 सवारियां घायल। पीलीभीत के प्रत्याशियों की किस्मत स्ट्रांग रूम में कैद, अब चार चून का इंतजार।
भाजपा और सपा में सीधी टक्कर, हाथी की चाल तय करेगी जीत, ये बना रहा इस सीट का समीकरण। परीक्षा परिणाम आने को लेकर खुश थी छात्रा, हादसे में गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। रामपुर सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला, भाजपा समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर के आसार, आजम फैक्टर का दिखा असर। बदायूं में सियासी पारा बढ़ाएंगे पीएम मोदी, 25 अप्रैल को करेंगे चुनावी जनसभा। देहरादून में पंजीकरण का आंकड़ा 10.66 लाख पहुंचा, केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 3.52 लाख रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस से भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के वोटरों में नहीं भर पा रहे उत्साह, बूथ तक पहुंचाने में माननीय पूरी तरीके से नाकाम। ۱۹ के मुकाबले प्रदेश में बढ़ा मतदान बहिष्कार, पिछले चुनाव में 10 जगहों पर हुआ था बहिष्कार। बन भूलपुरा के पास बनी झोपड़ियों में लगी आग, देर रात मची चीख पुकार, घटना के वक्त सो रहे थे सभी लोग। उत्तराखंड में 56% ही वोटिंग, लगातार दूसरी बार गिरा मतदान, चिंता में उम्मीदवार। प्रदेश की 5 सीटों पर शांतिपूर्ण रहा चुनाव, बूथों से लौटने लगी पोलिंग पार्टियां। बिहार और दिल्ली के 2 युवक स्नान के दौरान गंगा में डूबे, देर शाम तक भी नहीं लगा कोई सुराग। ۵۵ प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद, अब उम्मीदवारों को उम्मीद, 45 दिन का इंतजार। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी बोले, स्वयं के लक्ष्य से हमारा मुकाबला, जनता मोदी को तीसरी बार पीएम बना रही। दिन भर चटक धूप ने किया परेशान, शाम को बारिश ने गर्मी से दी राहत, पर्वतीय इलाकों में बदला रहेगा मौसम। ۲۴ घंटे में गढ़वाल और कुमाऊं में 21 जगह धधके जंगल, वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद नहीं डाल पाएंगे वोट, निशंक भी टिहरी से करेंगे मतदान। सीएम धामी ने बूथ अध्यक्षों से किया वर्चुअल संवाद, कहा किसी भी हाल में बूथ खाली न छोड़े। जंगल की आग बुझाने गए ग्रामीण की जलने से मौत, हिमाचल से पूजा के लिए आए थे पौड़ी। वोटर आईडी नहीं तो ना हो परेशान, 12 दस्तावेजों से भी दे सकते हैं वोट। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इराक में ईरान समर्थित सैन्य ठिकानों पर 5 धमाके, कम से कम 3 घायल। हमले के पीछे इसराइल के होने के सबूत नहीं, ईरानी विदेश मंत्री बोले, जांच में कुछ मिला तो छोड़ेंगे नहीं।
भारतीय अमेरिकी छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद करने का आरोप, अमेरिका ने 4 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रपति जरदारी के अभिभाषण पर हंगामा, संसद में लगे गो जरदारी को किनारे, 2 सांसद निलंबित। ईरान बोला हमने नाकाम किया इजरायली हमला, व्हाइट हाउस ने टकराव पर टिप्पणी से किया इनका। ईरानी दूतावास में विस्फोटक लेकर घुसा युवक, फ्रांसीसी पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ हुआ जारी। अमेरिकी राजनयिक ने आम चुनाव को बताया लोकतंत्र का महाकुंभ, चुनावी प्रक्रिया के लिए भारतीयों को दी बधाई। भारी बारिश से दुबई की सड़कों पर सैलाब, भारतीय दूतावास की सलाह, जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। एक दूसरे को निशाना बनाने के बजाय सितारों पर भेजे रॉकेट, ईरान इसराइल तनाव के बीच मस्क की सलाह। पाकिस्तान ने IMF से एक और बेलआउट पैकेज की मांग की, अगले महीने रिव्यू मिशन भेजने की लगाई गुहार। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन की IMF ने की तारीफ, विश्व बैंक ने भी सराहा। वैश्विक वृद्धि में 17% योगदान देगा भारत, IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को सराहा। विकास को प्रभावित करती हैं उच्च ब्याज दरें, RBI MPC सदस्य वर्मा ने किया दरों में कटौती का समर्थन। RBI गवर्नर ने MPC की बैठक के दौरान रेपो रेट को बनाए रखने के पक्ष में की थी वोटिंग, मिनट्स का किया जारी। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को बड़ी राहत, बैंक धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत। बंपर लाभांश से नारायण मूर्ति के 5 महीने के पुत्र एकाग्र पर बरसेगा धन, होगी करोड़ों की आमदनी। IT सेवा प्रदाता विप्रो का मुनाफा सालाना आधार पर 8% घटकर 2835 करोड़ हुआ, राजस्व भी घटा। इसराइल ईरान संघर्ष के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, तेल अवीव की सभी उड़ानों को 30 अप्रैल तक रोका। ChatGPT बनाने वाली कंपनी ने भारत में पहली बार शुरू की भर्ती, गवर्नमेंट रिलेशंस हेड का किया गया चयन। एकाना में चेन्नई के खिलाफ लखनऊ ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड्स, राहुल ने धोनी को पछाड़ा। राहुल डिकॉक के शतकीय साझेदारी ने चेन्नई को दी मात और डिकॉक ने लगाए अर्धशतक। लखनऊ ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया, KL राहुल और डिकॉक ने लगाया अर्धशतक।
वैश्विक टूर्नामेंट से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, तेज गेंदबाज ने जल्द वापसी के दिए संकेत। पंजाब के युवा जोश आशुतोष पर भारी पड़ा मुंबई का अनुभव, अंतिम ओवरों में बुमराह क्वेर्ची ने किया कमाल। रोमांचक मैच में मुंबई ने दर्ज की जीत, पंजाब को 9 रनों से हराया, ऑल आउट हुई मेजबान टीम। कप्तानी विवाद पर रोहित ने छोड़ी चुप्पी बताया एमआई की धीमी शुरुआत का कारण, हार्दिक पर भी बोले हिटमैन। धोनी ने 101 मीटर लंबा छक्का लगाया, जडेजा का फ्लाइंग कैच, मोइन ने लगातार 3 सिक्सेस मारे। धोनी 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर, लखनऊ में सबसे बड़ा टारगेट चेज, राहुल ने 25वां 50 प्लस स्कोर बनाया। केएल राहुल और ऋतुराज पर लगा 12-12 लाख का जुर्माना, स्लो ओवर रेट के लिए इससे सीजन 8 कप्तानों पर लग चुका है फाइन। वीराना एक्ट्रेस पर थी अंडरवर्ल्ड की नजरें, 11 की उम्र में हीरोइन बनी, 1988 में हुई लापता, 35 साल से गुमनाम, जिंदगी सवालों में। इक्कीस साल की हुई अजय काजोल की बेटी निशा, जन्मदिन पर काजोल ने लुटाया प्यार, कहा जिंदा दिली के साथ हमेशा मुस्कुराते रहो। फायरिंग इंसिडेंट के 5 दिन बाद मुंबई पहुंचे सलमान, एलनाज नरोजी का बेली डांस एंजॉय करते दिखे, मनीष पॉल को लगाया गले। एक्ट्रेस गुरशा कपूर ने सुनाया शूटिंग का किस्सा, बोली जानम समझा करो कि सेट पर 10 घंटे लेट पहुंचे थे सलमान, मैंने डायरेक्टर पर निकाला था गुस्सा। गौरी के साथ किराए के घर में रहते थे शाहरुख, चंकी पांडे ने किया खुलासा, बोले मैं जानता था वो सुपरस्टार बनेंगे। करीना को मिली थी शादी ना करने की सलाह, बोली लोगों का कहना था कि करियर खत्म हो जाएगा, मैंने दिल की सुनी और शादी की। दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट, ऊंचाई से गिरने पर हाथ की 2 हड्डियां टूटी, पति विवेक ने सोशल मीडिया पर दिया हेल्थ अपडेट। रुस्लान एक्टर आयुष शर्मा ने सलमान खान को लेकर दिया बयान, कहा अपनाएंगे अपनी अलग पहचान। सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने रद्द किया LOC। और करीना ने रामलीला छोड़ी, दीपिका रणवीर ने आज तक नहीं बोला थैंक यू, इसी से शुरू हुआ था रोमांस। तो प्राइम शतक में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफी राहत महसूस हुई, काम काज में भाग दौड़ में मेरा काफी मतलब
ठीक ठाक रहा, अब उससे हमको बहुत ज्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।